नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त की फिर से एक बार बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई दो और मरीज मिले हैं बिहार में। दोनों का जो संबंध है वो सिवान के साथ है। सिवान के रहने वाले हैं दोनों मरीज, दोनों ही महिला हैं। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार संजय कुमार साफ साफ ये कहते हैं कि दो महिला हैं जो मरीज, जिनके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, जिनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, उन दोनों की उम्र, एक की 45 साल है और एक की 22 साल है। इन दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मतलब इन दोनों ने कोई भी यात्रा नहीं की थी इससे पहले। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले अच्छी खबर यह थी कि पिछले 62 घंटों में अब तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला था बिहार में, और रिकवरी भी हुई थी। कुल मिलाकर 32 केसेस आए थे बिहार में, 32 लोग कोरोना से पॉजिटिव थे, जिसमें से जिन लोगों का उपचार हो गया, जो लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, उनकी संख्या हो गई 15। 15 लोग ठीक हो गए, अपने घर को लौट गए, डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद कुल मिलाकर जो अभी भी जिनका उपचार चल रहा है उनकी संख्या हो गई है 16। एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। तो अब जब दो और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं बिहार में, तो संख्या हो गई है फिर से 18। 16 लोगों का फिलहाल उपचार चल रहा था, और दो लोग जो अभी सिवान से प्राप्त हुए हैं, जिनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोशल मीडिया के थ्रू ट्विटर पर ट्वीट करते हुए दिया है। और ये बताया है कि इन दोनों की ही कोई हिस्ट्री नहीं रही है, ट्रैवल हिस्ट्री। इन दोनों को संक्रमण अगर हुआ है तो संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट माने से हुआ है। एक व्यक्ति जो संक्रमित हो गया था पिछले 21 मार्च को, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके संपर्क में आने के बाद ही ये दोनों जो महिलाएं हैं, इन दोनों को संक्रमण हुआ है। और अब इनका भी उपचार चलेगा, इन दोनों को भी आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। बड़ी बात यह है कि लगातार जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो काम पे लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। हम आपको खबरें इसलिए से बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग, आज मंगल पांडे जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि उपकरणों की कोई कमी नहीं है। और डाटा जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हो, किस तरीके से मुंगेर से अब तक 7 केसेस निकल गया है, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी, 5 लोग रिकवर हुए थे। वहीं सिवान से 6 व्यक्ति की अब तक मिलने की बात हुई थी, 6 और 2 अभी के मिलाकर हो गए 8। 8 व्यक्ति सिवान से जो संक्रमित है उनकी पुष्टि हुई है, जिसमें से 5 व्यक्ति वहां से भी ठीक हो चुके हैं, अपने घर को लौट चुके हैं। फिर बात करते हैं पटना की। पटना में भी 5 व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे, 5ों का इलाज कर दिया गया है, 5ों ही अपने अपने घर को लौट गए हैं। उसके बाद गया से 5, गोपालगंज से 3, नालंदा से 2, बेगूसराय से 1, सारण से 1, लखीसराय से 1, भागलपुर से 1। कुल मिलाकर संख्या हो गई 32, और इन 32ों में से 15 व्यक्ति ठीक हो गए हैं। 15 व्यक्ति जो है उपचार के बाद उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक है, रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आए हैं, तो इसलिए उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। लेकिन अभी की बड़ी खबर, दो और व्यक्ति बिहार में कोरोना पॉजिटिव केस निकल के आया है। इन दोनों ही जो व्यक्ति हैं, दोनों ही महिलाएं हैं, एक की उम्र 45 साल बताई जा रही है, दूसरे की उम्र 22 साल बताई जा रही है। तो अभी भी खतरा टला नहीं है। अलर्ट रहिए, आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हाथों को लगातार साफ रखिए, साबुन से धोते रहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और अपने घर में ही रहें। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचा रहे हैं। यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।